नमस्कार दोस्तों, गोयल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जीटेक 9100D के फंक्शंस के बारे में। ये हमारा मशीन है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मशीन में बॉबिन ऑटोमेटिक कैसे भरा जाता है। इसके लिए यहाँ पे बॉबिन वाइंडर है, हमने धागा स्टैंड पर रखा हुआ है, वहाँ से हमने ये टेंशन में डाल के रखा है। पहले आप ये जो धागे को बॉबिन लेके उसके अंदर 3-4 राउंड धागे को घुमा दीजिए, जैसे हम बता रहे हैं। इसको आप 3-4 राउंड घुमा के उसके बाद में इसके अंदर आपको लगाना है। ये हमने धागा राउंड भर दिया हुआ है। अब हम ये जो बॉबिन है इसको यहाँ पे पिन के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रेस कर दीजिए और आप धागा सही करके जो लोहे की पिन है उसको बॉबिन की तरफ दबा दीजिए। ये जो है ऑटोमेटिक ये फीड अप हो जाएगा। अब आप मशीन चालू करें। मशीन चालू करो तब आप उसको पैर ऊपर रखिएगा। हमने आपको वापस एक बार चालू करके बताया। अभी ये देखिए, ये हमारा बॉबिन वाइंडिंग फिल अप होना चालू हो गया है। देखिए, बॉबिन भरते ही ये पिन अपने आप बाहर आ जाएगी और निकल जाएगी। ये देखिए, हमारा मशीन चालू है परंतु बॉबिन वहाँ पे भर गया है, इसलिए अटक गया हुआ है। तो ये हमने आपको बॉबिन भरने की कैसे थियरी है वो बताई हुई है। हमने आपको अभी बॉबिन भर के दिखाया। अब हम आपको इस मशीन में क्या क्या फंक्शंस है वो बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको यूज़र पैरामीटर बताएंगे, उसके बाद में आपको हम इंजीनियर टेक्निकल पैरामीटर भी दूसरे वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारा वीडियो स्किप मत करिएगा। ये पूरा फंक्शन समझ लेंगे तो आपके मशीन में आपको बहुत ही आसान रहेगा और आप आसानी से उसको चालू कर पाएंगे। सबसे पहले ये पी वाला बटन है। आपको कोई भी फंक्शंस या पैरामीटर में एंटर होना है तो आपको ये पी दबाना है। देखिए, पी दबाओगे तो आप ये फंक्शन सब चेक कर पाएंगे। टेंसर पैरामीटर आपके लिए है वो, उसमें जाके अगर आपको उसमें पैरामीटर चेंज करने हैं तो आपको एस दबा के उसके अंदर प्लस माइनस करना है जो देख रहे हैं। और कोई भी पैरामीटर चेंज करने के बाद में आपको एस बटन दबाना जरूरी है, नहीं तो आपका प्रोग्राम सेव होगा नहीं। हम आपको आगे भी बता देते हैं। इसलिए आपको पी का फंक्शन से प्रोग्राम में जाने का और एस का फंक्शन से प्रोग्राम सेव करने का। उसके बाद में अप डाउन स्विच आती है। ये आप अगर डायरेक्ट बाहर हो तो आप मोटर की स्पीड प्लस माइनस कर पाएंगे, और अगर सब प्रोग्राम में हैं तो पैरामीटर जो भी चेंज करने हैं वो चेंज हो गए। ये स्विच के ये फंक्शन थे। उसके बाद में हम ये बताते हैं, ये नीडल पोजीशन का शॉर्टकट दिया हुआ है कि अगर ये आप ये दबाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि नीडल पोजीशन अप साइड पे है। अगर मैं ये दबाता हूँ वापस तो ये पोजीशन डाउन साइड हो गई। देखिए, ये आपको हमने इसका नीडल पोजीशन का मकान, ये है सॉफ्ट स्टार्ट स्विच। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ये भी बहुत ही काम का चीप फंक्शन से। ये सॉफ्ट स्टार्ट स्विच दबाने से यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा, ये देखिए। ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। ये हम आपको बताएंगे आगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारा ये पूरा आपने जो डिस्प्ले है उसका फंक्शन समझ लिया। अब हम आपको पैरामीटर में जाके बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको इसमें मशीन के हर फंक्शन समझ नहीं आएंगे। अब हम आपको सबसे पहले P01 की फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। ये पी दबाते P01 आ जाएगा। देखिए, अगर इसके मेन्यू में जाना है तो आपको एस बटन दबाना है।
ये आपको 3500 स्पीड बता रहा है कि आपकी मोटर की अभी हमने मैक्सिमम स्पीड 3500 लॉक की हुई है। ये लॉक कैसे होती है हम आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अभी हमने 3500 लॉक किया हुआ है। सिलाई मशीन आपको 3 से 3500 तक चलाना अच्छा है, उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो आपके मशीन में टेक्निकली प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करते हैं 3000 सेट करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपकी मशीन सही चलेगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। ये हमने ये कोई भी पैरामीटर चेंज करने के बाद आपको एस बटन दबाना जरूरी थी। अभी हमारा मशीन ये 3000 पे चलेगा। ये देखिए अभी हमारा मशीन 3000 की स्पीड पे चल रहा है और आवाज़ भी कितनी स्मूथ है आप देख पाते हैं। अब हम आपको दूसरा फंक्शन बताएंगे, P02 फंक्शंस में जाने के लिए आपको P बटन दबाना है, उसके बाद में आपको चेंज करने के लिए P02 करना है, फिर आपको उसको S दबाना है। S दबाओगे तो आप उसके सब फंक्शंस में चले जाएंगे। अभी यहाँ पे है 01 लिखा हुआ है, अगर आपको इसको 2 कर देंगे 0 कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए 1 करोगे तो ये नीचे चला जाएगा और 2 करोगे तो ये नीडल पोजीशन बंद हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको 1 करके बताते हैं, उसके लिए आपको 1 करने 0 करने के बाद में इसको S दबाना है। आप बाहर आ गए, हमने आपको नीडल पोजीशन अप करके बताया हुआ है, अभी फंक्शन में हमने सेट किया है। अभी हम आपको पैर दबा के बताते हैं। देखिए आपकी नीडल अप डाउन अप के साइड ही खड़ी रहेगी, ऊपर ही रहेगी। देखिए कितनी भी बार दबाओगे ये ऊपर ही रहेगी, ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको इसको डाउन करके बताते हैं, उसके लिए आपको वापस जाना है पी में। ये पी दबाएंगे तो उसको आपको करना है 02, उसके बाद में एस दबाना है। अभी आप उसको करेंगे 1 करोगे तो ये डाउन ही रहेगी। ये देखिए आपका मेनू चेंज हो गया है। इसके बाद में आपको वापस दबाना है एस। अब हम आपको नीचे बताएंगे अब नीडल, ये देखिए अभी ये नीडल आपकी नीचे ही रहेगी, कितनी भी दबाओ वो नीडल नीचे ही रहेगी। ये कई फंक्शंस ऐसे होते हैं, कई आप स्टिच कर रहे हो तो आपको नीडल कपड़े में होना ज़रूरी है, होना है कुछ भी है तो आप उसको वहाँ से ब्लॉक करके कपड़े को मूवमेंट करवा सकते हो, इसलिए ये नीडल पोजीशन का फंक्शन दिया गया है। अब हम आपको ये नीडल पोजीशन बंद करके बताते हैं, उसके लिए आपको जाना है वापस पी, उसके अंदर 02 वो उसको वापस सिलेक्ट करिए, उसके बाद में आपको करना है 2। तो ये नीडल पोजीशन यहाँ देखिए बंद हो गई है, उसको आपको सेव कर लेना है। कभी का आपको लगता है कि नीडल पोजीशन की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको बंद भी कर पाते हैं, उसको वापस आप सेव कर लीजिए। अब आपकी नीडल कहीं पे भी रुकेगी, देखिए कोई कहाँ पे भी रुक जाएगी। तो ये हमने आपको P02 का फंक्शंस बताया हुआ है। अभी ये जो शॉर्टकट की है वो ऑटोमेटिक नीडल पोजीशन एक्टिव कर देती है। ये देखिए ये जो शॉर्टकट की है आपको मेनू में बताते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा अप और डाउन दोनों। तो ये शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की से आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ से ये फंक्शन का आप यूज़ कर पाते हैं, ये P02। अभी हम आपको बताने वाले हैं P03। अभी हम आपको बताते हैं सॉफ्ट स्टार्ट स्विच, जो हम आपको ये बता रहे हैं ये सॉफ्ट स्टार्ट स्विच का शॉर्टकट है। ये स्विच चालू करने का यहाँ से शॉर्टकट दिया गया है, अगर आपको मेनू से चालू करना है तो आपको P दबाना है, P दबा के आपको करना है P03। P03 में आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप 0 करते हो तो बंद रहेगा, अगर आप 1 करते हो तो चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखो 0 करने से आपका यहाँ से मेनू चला जाएगा और 1 करने से यहाँ मेनू चालू हो जाएगा। पहले हम आपको इसको चालू करके बताते हैं, सॉफ्ट स्टार्ट स्विच क्या करता है वो फंक्शन आपको हम बहुत ही बारीकाई से बताने वाले हैं, तो वो आप देखते रहिएगा। ये आपके लिए बहुत काम का फंक्शन है, इसको एस कर दीजिए, ये अब यहाँ पर चालू हो गया। इसको डायरेक्ट चालू आप यहाँ से शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, ये हमने आपको मेनू में जाके चालू करके बताया हुआ है, और ये आप मेनू से डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी चालू बंद कर सकते हो।
अभी आपको बता दे सॉफ्ट स्टार्ट स्विच क्या काम करता है, ये आपको पावड़ी को पीछे दबाना है। ये पीछे दबाया है तो आपका बटन यहाँ से प्लस हो जाएगा, देखिए इससे सॉफ्ट स्टार्ट स्विच से अभी ये फंक्शंस आप देख सकते हैं। ये आपकी दो बार निडल जाएगी फिर आपकी मशीन स्पीड पकड़ेगी। वापस देख लीजिए, ये सॉफ्ट स्टार्ट स्विच का फंक्शंस है कि आपको पैर एक बार उल्टी दिशा में घुमाना है फिर आपको ऐसे चलाना है तो आपकी मोटर जो है वो फास्ट घूमेगी। ये हम वापस बताते हैं, देखिए ये सॉफ्ट स्टार्ट स्विच का फंक्शन है। इसके अंदर मेनू में आपको स्टिचेस की जो है कितनी स्टिचेस लेनी है, आप 99 स्टिचेस तक आप उसको ले पाएंगे। इसमें हमने उसका पैरामीटर 4 सेट किया हुआ है, उसको आप 99 स्टिचेस तक सेट कर सकते हो, आपको जितनी भी सहूलियत हो उतना कर सकते हो। हमने 4 रखा है, उसका मतलब ये है 1 2 3 4 अभी आपका मशीन चालू हो जाएगा। 4 फंक्शंस, ये पी दबाने के बाद P04 करना है, P04 करके आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 100 दिखाया गया हुआ है, 100 मीन्स आपकी मोटर 100 × 10, ये प्रोग्रामिंग में ऐसा मैसेज दिया गया है कि 100 × 10 आपकी मोटर मशीन चालू होने के बाद 1000 की स्पीड पे चालू हो जाएगी। ये जो 100 है इसको आप प्लस भी कर सकते हो, पर मिनिमम स्पीड उसकी 100 है। ये आपकी डायरेक्ट 3500 मोटर चालू हो जाएगी, उससे अच्छा आपको ये 100 रखोगे आपके लिए बेटर है, और सिलेक्ट कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन चालू होने के बाद में दो बार ऐसे जाएगी, फिर 1000 की स्पीड पकड़ने के बाद में ये हाई स्पीड बढ़ेगी। सबसे पहले चालू होने के बाद में ये आपकी मशीन 1000 की स्पीड पे जाएगी, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये जो हमने ये फंक्शन P03, 04 और 05 कंबाइंड है, P03 से आप सॉफ्ट स्टार्ट स्विच चालू कर सकते हैं, P04 से आप सॉफ्ट स्टार्ट स्विच जो है उसकी मशीन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, और P05 से आप उसके बीच में कितने टांके लेने हैं वो आप सेट कर सकते हैं। अभी हम आपको P05 की फंक्शंस बताने वाले हैं। अभी आपको P05 में जाना है, ये अभी हम आपको P05 बता रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 स्टिचेस दिख रहे हैं आपको, फिर 4 मीन्स के ये हाफ राउंड घूमता है, ऊपर जाएगा 1 गिनेगा, नीचे जाएगा 2 गिनेगा। अभी आप इसको जितनी भी करनी है हम आपको 10 तक करके बताते हैं। तो ये निडल बार 5 बार आपकी अप डाउन होगी, देख सकते हैं, ये सेव कर लीजिए। अभी हम आपको गिन के बताते हैं, देखा आपने, हमने इसके अंदर 10 किया हुआ है। अभी हम आपको उसको थोड़ा बढ़ा के भी बताते हैं। P05 में जाइए, S दबाइए, इसको आप, मैं आपको 20 करके बताता हूँ। ये मेन्यू 10 तक सही है, बाकी तो आपकी मशीन की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। अभी हम आपको बताते हैं, ये आप देखिए नीडल बार के ऊपर 7 8 9 10, ये देखिए ये हमारा मशीन चालू हो गया है। तो आपके लिए सॉफ्ट स्टार्ट स्विच है जो कंपनी ने सूटेबल दिया हुआ है, 2 से 3 टाँका वही बेटर है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आपको ये मेन्यू में क्या फंक्शंस है और ये बटन का क्या उपयोग है हमने आपको बताया। अगर ये बंद कर देते हो तो आपकी मशीन डायरेक्ट ही चालू हो जाएगी, और अगर ये आप चालू कर देते हो तो आपकी मशीन देखिए 3 बार निडल बार घूमने के बाद में चालू होगी। उसके लिए आपको पावड़ी को ऑपोजिट साइड पे दबाना जरूरी है, वरना सॉफ्ट स्टार्ट स्विच चालू होगी नहीं। ऐसे दबाने के बाद में आपको ऐसे करना है तो ही ये एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। तो हमने ये आपको P05 तक आपको दिखा दिया, अब हम आपको P06 का फंक्शन बताने वाले हैं। अब हम आपको बताने वाले P06, ये P06 आया, उसके अंदर जाने के लिए आप ये मशीन की स्पीड देख सकते हैं। यहाँ पे 200 लिखा है, मीन्स के आप मशीन मिनिमम 2000 की RPM से कम नहीं कर पाएंगे, ये देखिए, उससे ज़्यादा बढ़ा पाएंगे कम नहीं कर पाएंगे। अभी ये 300 किया तो 3000 स्टार्टिंग स्पीड आपकी मोटर डायरेक्ट 2000 RPM से शुरू होगी, और ये जो है 3000, हम पहले आपको 2000 पे चालू करके बता रहे हैं। अभी हम आपको उसको 3000 करके बता रहे हैं,
पी करके आपको एस दबाना है। अभी आपको मैं 3000 करके 4000 करके बताता हूँ, बाद में आपको एस दबाना है। अभी देखिए बहुत ही हाई स्पीड आपकी मोटर चालू हो जाएगी, इसलिए कंपनी ने जो मेन्यू में दिया हुआ है वो आप रखो तो बेटर है। आपको सिलेक्ट करके इसको 2000 पे ही करिए, आपकी मोटर की लाइफ भी बनी रहेगी और आपके मशीन अच्छा चलेगा। तो हमने आज ये जो है यूज़र पैरामीटर जो आपने मशीन ख़रीदा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी हमने आपको जानकारी दी है। ये एक शॉर्टकट, ये शॉर्ट बटन है, ये आप दबाने से आप कोई भी एक सीट लेना हो तो ले पाएंगे, आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए ये बटन दबा के रखोगे तो कंटिन्यू चलेगा। ये बटन भी एक्टिव करना डीएक्टिव करना हम आपको हमारे आगे जो टेक्निकल पैरामीटर वीडियो बनाने वाले हैं उसमें बताएंगे। तो हमारा ये चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हमारी चैनल पे हमने जो ये फंक्शन यूज़र पैरामीटर बताए हैं वो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये जो मशीन है ये मशीन कॉमन यूनिवर्सल मशीन है, ये आप बायो की मशीन ले लो, जैक जुकी की ले लो, ये जो ये डिस्प्ले और चार फंक्शन कोई भी चाइना की मशीन में सबके प्रोग्राम सेम आएंगे। आप ये जीटेक की मशीन से आपकी कोई भी कंपनी की मशीन से ये प्रोग्राम समझ पाएंगे, इसलिए आपको ये प्रोग्राम देखोगे आप तो आपको हर मशीन का फंक्शन पता चल जाएगा। तो हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।